Dear students, myself Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. E-lecture की इस सीरीज में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, विधि द्वितीय वर्ष के विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ई लेक्चर के इस सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट एंड सेक्शन 21 कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में जाना, निहित हित एवं समाश्रित हित को समझा। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि आगे आने वाले सेक्शन जो हैं सेक्शन 22, 23 एंड 24 सेक्शन 21 से ही कोरिलेट हैं, इसलिए हम इन तीनों को आज यहाँ पे एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 22 ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ ए क्लास हु अटेन ए पर्टिकुलर एज वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर्स only of a class as shall attain a particular age such interest does not vest in any member of the class who has not attained that age। अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 22 किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों को अंतरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करें के बारे में बताती है, जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित किसी वर्ग के केवल ऐसे सदस्यों के पक्ष में सृष्ट किया गया हो जो कोई विशिष्ट आयु प्राप्त करें, वहां ऐसा हित उस वर्ग के किसी ऐसे सदस्य में निहित नहीं होता जिसने वह आयु प्राप्त नहीं कर ली है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सेक्शन 21 में जब जहां पे हमने कंटिजेंट इंटरेस्ट को देखा, समाशित वर्ग को अंतरण, कि जब किसी संपत्ति अंतरण द्वारा ऐसे सदस्यों को उस वर्ग के जो उस वर्ग के हो, वर्ग अनिश्चित होने पर अंतरित तय नहीं हो, उसके पक्ष में अगर हित सृजन किया जाता है जो उनमें से कोई विशेष दिनांक को विशेष उम्र यानी निश्चित उम्र प्राप्त करें, तो वहां पे क्या होगा कि उस वर्ग के ऐसे किसी सदस्य को हित प्राप्त नहीं होगा जो वह आयु प्राप्त नहीं करेगा। सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु हैज नॉट अटेंड दैट एज। अर्थात वह व्यक्ति या वह वर्ग में वह सदस्य जिसने उस आयु को प्राप्त नहीं किया, उस व्यक्ति को वह हित प्राप्त नहीं होगा। धारा 22 जो है वो निश्चित वर्ग व अनिश्चित अंतरिति को किए गए अंतरण से संबंधित है। वर्ग स्पेसिफाइड है, क्लास स्पेसिफाइड है, बट उस क्लास में जितने भी मेंबर हैं वो अनिश्चित अंतरिति हैं। अर्थात अंतरिति एक वर्ग है जो स्वयं निश्चित नहीं है। जैसे ए के बच्चों को हित का सृजन होना है, बच्चे एक क्लास या एक वर्ग के बारे में इंगित करते हैं, ठीक है। अब जहां जितने बच्चे होंगे कि ये बच्चे उस समय उस आयु को प्राप्त करें, अब उनमें से कुछ बच्चे अगर या एक बच्चा अगर उस निश्चित आयु को प्राप्त नहीं करता है तो उसके बारे में यह अंतरण विसफल होगा। शेष लोगों को श्रेष्ठ हित मिलेगा जो इलिजिबल होंगे। सेक्शन 22 के अनुसार यहाँ पे उन्हीं उसी वर्ग में से केवल और केवल उन्हीं व्यक्तियों को अंतरण में हित मिल पाएगा जो विशिष्ट आयु को प्राप्त कर लेंगे। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी ए व्यक्ति द्वारा संपत्ति अपने बी पुत्र के उन पुत्रों को या उन बच्चों को दी गई है
जो कि एक विशेष तारीख पे 18 वर्ष के हो जाते हैं। अब उनमें से अगर एक बच्चा पहले ही डेथ हो आती है तो उसके संबंध में वह हित अंतरित नहीं माना जाएगा और बाकी जो विशेष आयु को 18 ईयर्स को प्राप्त कर लेंगे उन्हें वह अंतरिति उन्हें वह हित प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई संपत्ति ए को जीवन भर के लिए दी गई, उसके बाद बी को और फिर उन बच्चों को जो 18 वर्ष या इसे अधिक के हों, जब ए व्यक्ति जीवित है तब मान लीजिए उसके 3 बच्चे पैदा हुए, उनमें से दो बच्चे 18 वर्ष के ऊपर पहुंचे और एक बच्चा नहीं पहुंच पाया, तो उस विशेष वर्ग तीनों के वर्ग में से वही 2 बच्चे जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर पाए उन्हें संपत्ति अंतरित हो जाएगी, वो संपत्ति में हित प्राप्त कर लेंगे। और जो बच्चा 18 ईयर्स नहीं प्राप्त कर पाया वो उस संपत्ति में हित प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा हित किसी वर्ग विशेष के सदस्य में निहित नहीं होगा जिसने वह आयु प्राप्त नहीं की हो। सेक्शन 23, धारा 23, ट्रांसफर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज टू अकर टू ए स्पेसिफाइड पर्सन इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन एंड नो टाइम इज मेंशन फॉर द अक्यूरेंस ऑफ दैट इवेंट द इंटरेस्ट फेल्स अनलेस सच ए इवेंट हैपन्स बिफोर और एट द सेम टाइम एज द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट। धारा 13, अंतरण जो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित है, जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट घटना के घटित होने पर ही प्रोद्भत होना हो और उस घटना के घटित होने के लिए कोई समय वर्णित नहीं हो, वहां वह हित निष्फल हो जाता है। जब तक ऐसी घटना मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती हित के अस्तित्वहीन होने के पहले या साथ ही घटित नहीं हो जाती है, अर्थात इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जहां पे कोई ऐसी शर्त लगा दी गई स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, जो हमने सेक्शन 21 में देखा कि घटना विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना है, कि वह घटना अब घटना के होने का समय भी मेंशन नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है। यहाँ इससे ये तात्पर्य है कि जो पूर्व हित बीच में किसी को दिया गया है उसके जीवन काल में उस घटना के घटित या तो घटना घटित हो या फिर उस व्यक्ति के जीवन काल में वो आ जाए, वरना पूर्ववर्ती हित के अस्तित्वहीन होने के पहले ही या साथ ही घटित नहीं हो जाएगी तो प्रॉपर्टी में हित नहीं मिल पाएगा। अर्थात संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित किसी स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की घटित होने पर मिलना हो और उस घटना के घटित होने के लिए कोई भी समय स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, तो वह हित निष्फल हो जाएगा। जब तक कि ऐसी घटना मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती हित के अस्तित्व में होने के पहले या उसके साथ ही घटित नहीं हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि सेक्शन 22 में उस वर्ग के संबंध में अंतरण था जिसमें से अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर समय पर पर्टिकुलर उस शर्त को पूर्ण नहीं करता है तो उसका हित निष्फल हो जाएगा। और सेक्शन 23 ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हित सज्जन की चर्चा करती है जहां कंटिंजेंट हित जो है समाश्रित हो। सेक्शन 21 और 23 एडवर्ड केस पर डिपेंड है। सेक्शन 21 में हित सज्जन ऐसे वर्ग के लिए है जो उस वर्ग में हो जो बताई गई हो
कि उन्हें उस उम्र पर विशेष लाभ उन्हें मिलेगा, अगर वो जो नहीं कर पाएंगे उन्हें नहीं मिलेगा। जबकि सेक्शन 23 में वे व्यक्ति निर्दिष्ट हैं, ऐसे व्यक्ति को ही दिया जाएगा जब विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना घटित होने पर सर्जित हित विफल नहीं हो जाता, तब तक वह घटना पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व वह घटना घटित हो जानी चाहिए। अर्थात सेक्शन 22 में घटना सर्टेन थी, निश्चित थी, जबकि 23 में अनसर्टेन इवेंट, विनिर्दिष्ट घटना अनिश्चित है, घटना ही अनिश्चित है। आवश्यक नहीं है कि वह घटना घटित हो और ना भी घटित हो। अर्थात कंटिंजेंट इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे समाश्रित हित मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सेक्शन 24, ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन्स एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज टू अकर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन्स एज सेल्फ बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, द इंटरेस्ट सेल गो टू सच ऑफ देम एज सेल बी अलाइव वेन द इंटरमीडिएट और प्रीसीडेंट इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट अनलेस ए कंट्रेरी इंटेंशन अपियर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। धारा 24, निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अंतरण जो विनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हो, अर्थात जीवित हो, जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में हित निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को प्रोद्भत होना हो जो किसी कालावधि पर उत्तरजीवी रहे किंतु निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट न हो, वहां वह हित उन व्यक्तियों में से ऐसे जो मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती हित के अस्तित्व का अंत होने के समय जीवित हो चला जाएगा जब तक कि अंतरण के निर्बंधनों से कोई तत्प्रतिकूल आशय ना स्पष्ट हो। अर्थात सर्टेन ट्रांसफरी वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर नीड्स टू अकर सच ऑफ अ सर्टेन पर्सन, अर्थात कुछ व्यक्तियों को कुछ अंतरिति कहा गया है। सर्जित हित कब मिलेगा? जब वह समय नहीं बताया गया हो, समय हो पर एग्जैक्ट समय नहीं बताया गया हो, बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, कहा गया हो कि उन्हें समय इतनी अवधि में मिलना है बट एग्जैक्ट समय नहीं है, उन्हें कब हित मिलेगा? धारा 24 इसके बारे में बताती है। अर्थात व्यक्ति जो उस दिन मौजूद हो जब पूर्व हित समाप्त हो उन्हें मिलेगा, शेष के लिए निसफल होगा। सेक्शन 24 ये कहता है कि अनलेस ए कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर, अर्थात जब तक कि अंतरण के निर्बंधनों से तत्प्रतिकूल कोई आशय ना प्रतीत हो, अर्थात जब कंडीशन करार में ही एग्रीमेंट में ही कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो, कोई डिफरेंट उसका इंटेंशन नहीं हो, तो जो व्यक्ति पूर्व हित समाप्त होने से पूर्व अस्तित्व में है उन्हें इस संपत्ति में हित मिल जाएगा, बाकियों के लिए निसफल हो जाएगा। सेक्शन 24 को रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहा गया है। यहाँ पे जब दो लोगों को संयुक्त रूप से किसी हित का अंतरण कर दिया जाता है या ज्यादा लोगों को कर दिया जाता है, उसमें से कुछ सक्षम है कुछ अक्षम है, तो उस संपत्ति अंतरण में उस संपत्ति में हित वही प्राप्त कर पाएगा जो सक्षम होगा, जो उस कालावधि में जीवित रहेगा, लेकिन कालावधि स्पेसिफाइड नहीं की गई है, टाइम पीरियड इज नॉट एडजेक्ट। सेक्शन 24 जो है ऐसी किसी भी अंतरण से संबंधित है, यदि अंतरण इस प्रकार किया जाए कि संपत्ति कब और किनको कैसे मिलनी है।
फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन दैम और टू द सर्वाइवर ऑफ दैम सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी बी सर्वाइव्स बी एट बीच डेथ द प्रॉपर्टी पासिस टू बी कै ए नामक कोई व्यक्ति बी को लाइफ टाइम के लिए अपनी संपत्ति दे देता है और बी को उसकी डेथ के पश्चात सी और डी को उनमें सब विभाजित किए जाने के लिए या उनमें से जो सरवाइव करेगा उत्तरजीवी होगा उसको अंतरित करता है। मान लीजिए बी के लाइफ टाइम में सी की डेथ हो आती है तो बी का उत्तरजीवी जो होगा सर्वाइवर जो होगा वो होगा डी। बी की डेथ पर वह संपत्ति डी को मिल जाएगी। अर्थात इस दृष्टांत द्वारा हमने ये समझा कि निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति को अंतरण होगा जो कि जहां पर अगर टाइम फिक्स नहीं है तो जो पूर्ववर्ती जिस व्यक्ति में पूर्ववर्ती हित निहित है उसके समय अस्तित्व में उसका अस्तित्व खत्म होने से समाप्त होने से पूर्व अस्तित्व में आ जाए। उम्मीद है आप लोग ये सारे सेक्शन समझ पाए होंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे के सेक्शंस की चर्चा करेंगे। थैंक यू। पच्चीस मिनट पढ़ा दिया, मुंह दुख गया मेरा।